अलैकुम क्लास। के क्लास में वन जब स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ। लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीक में हमने LOC एंड FPBS एस्टिमेशन देखी थी, एंड देन उसके बाद जो हमारी लास्ट क्लास थी वेडनेसडे को, उसमें हमने कोकोमो बेस कैलकुलेशन देखी थी कि कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल यूज करते हुए हम उसके डिफरेंट जो मोड्स हैं उन मोड्स के अंदर जो बेसिक मोड है, इंटरमीडिएट मोड है, उसमें कैसे हम अपने प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर सकते हैं कि अदर कितने कॉस्ट लगेगी प्रोजेक्ट में, कितना टाइम लगेगा, एवरेज स्टाफ कितना रिक्वायर्ड होगा और प्रोडक्टिविटी क्या होगी। मीनवाइल अगर इस सबसे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जी क्लास कोई क्यूरी नहीं है? ओके, वॉइस क्लियर आ रही है? ओके सो हम फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चे, कैलिब्रेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास, दैट इज सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, हम एफर्ट एस्टिमेशन देख रहे हैं, हम टाइम कैलकुलेशन देख रहे हैं कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट की कॉस्ट और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के जो एग्जैक्ट मीनिंग्स हैं, कैलिब्रेशन की मीनिंग्स हैं कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन का हमारे पास प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन। सो डिफरेंट मेथड्स कौन से अवेलेबल हैं और हम उनमें से कौन सा मेथड सिलेक्ट कर रहे हैं। सो कैलिब्रेशन के जो मीनिंग्स हैं, कैलिब्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर, अदर हम अगर कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉस्ट निकालने का क्या प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। कैलिब्रेशन एंड हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको शायद ओवरव्यू दिया था कि जब हम कैलकुलेशन की बात कर रहे होते हैं, जब हम एस्टिमेशन की बात कर रहे होते हैं, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डेटा जो हमें रिक्वायर्ड होता है जब जिसको यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। हमारे पास इंडस्ट्री डेटा होता है, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है और हमारे पास प्रोजेक्ट डेटा होता है। प्रोजेक्ट डेटा बेसिकली हमारे पास वो डेटा होता है कि जिस करंट प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा, और वो हमें कब मिलना स्टार्ट होता है, जब हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट डेटा अवेलेबल होगा, बट एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डेटा हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उससे रिलेटेड डेटा हमें मिलना स्टार्ट अभी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा जो हमारे पास यूज़ होता है, दैट इज़ हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का
पास्ट प्रोजेक्ट जो अब जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड, जो पास्ट प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड डेटा जिसको देखकर हम इस प्रोजेक्ट पे, जब तक प्रोजेक्ट डेटा अवेलेबल नहीं होता, हम हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए इस करंट प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्री डेटा, सबसे अनरिलायबल डेटा जो है वो इंडस्ट्री डेटा होता है। लेट सपोज कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा भी नहीं हुआ, करंट प्रोजेक्ट का भी डेटा नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, पास्ट प्रोजेक्ट्स का भी डेटा नहीं है, तो फिर उनको कहाँ से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा? सोर्स ऑफ डेटा उनके पास क्या होगी? आपकी इंडस्ट्री डेटा, मीन्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डेटा फिर वो कलेक्ट करेंगे और उसकी बेसिस पे इस करंट प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल और अनरिलायबल इंडस्ट्रियल डेटा होते हैं क्योंकि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या कल्चर है, वहाँ कौन कौन से प्रोसेस मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, तो वो डिफर होती है जिसकी बेसिस पे आपकी, और क्योंकि आप भी अभी इतना जो है मेच्योर नहीं हो, इमेच्योर हो, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फिर आपकी इनएक्यूरेट एस्टिमेट की बेसिस पे रिजल्ट आ रहा होता है। कैलिब्रेशन इज यूज टू कन्वर्ट काउंट टू एस्टिमेट, एलओसी टू एफर्ट, यूजर रिसोर्स टू कैलेंडर टाइम एटसेट्रा। अगेन कैलिब्रेशन हमारे पास क्या है कि हम क्या प्रोसीजर या मेथड यूज कर रहे हैं अपने काउंट को, एलओसी को जो है वो एफर्ट और एस्टिमेट में कन्वर्ट करने के लिए। योर एस्टिमेट्स कैन बी कैलिब्रेटेड यूजिंग थ्री काइंड ऑफ डेटा। आप अपने डेटा को या एस्टिमेट्स को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से कलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मीनिंगफुल कुछ रिजल्ट्स में, थ्री काइंड्स ऑफ डेटा: इंडस्ट्रियल डेटा, डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है आपके पास, इंडस्ट्री डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन के ही डिफरेंट पास्ट प्रोजेक्ट्स, एंड प्रोजेक्ट डेटा, डेटा ऑफ सेम प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट जिस करंट प्रोजेक्ट पे आप हैं उसी से रिलेटेड आपका डेटा। एक चार्ट है जो हमें बता रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो थ्री टाइप्स ऑफ डेटा हमने पढ़ा है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्रियल डेटा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा या हिस्टोरिकल डेटा एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेटा, ठीक है, व्हाट्स एस्टिमेटेड, हम क्या क्या चीज़ें एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग इंडस्ट्री, हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्ट डेटा। अगर हम इंडस्ट्री डेटा की बात करें तो उसमें हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, साइज, एफर्ट, स्केड्यूल, फीचर्स, कि हमारे पास कितने साइज प्रोजेक्ट का साइज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ कोड, एफर्ट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे इन टर्म्स ऑफ स्टाफ मंथ, स्केड्यूल प्रोजेक्ट का स्केड्यूल क्या होगा जिसमें टाइमिंग वगैरह की कैलकुलेशन, एंड फीचर्स, हाउ मैनी फीचर्स विल कवर इन दिस प्रोजेक्ट। तो इंडस्ट्रियल डाटा से आप ये चीज़ें एस्टिमेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा से भी वही सेम चीज़ें होंगी, हिस्टोरिकल डाटा से भी आप यही सेम एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिमिलर ही प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डाटा से। साइज ऑफ प्रोजेक्ट, किस साइज के प्रोजेक्ट के लिए आप कलेक्शन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डाटा से, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तीनों साइजेस ऑफ प्रोजेक्ट के लिए आप ये तीनों टाइप्स ऑफ डाटा पे किसी पे भी ये यूज कर सकते हैं। डिवेलपमेंट स्टेज, किस जब आप प्रोजेक्ट डिवेलप कर रहे हो तो उसके किस स्टेज पे आप ये डाटा यूज कर रहे होंगे। एयरली टू मिडिल, जब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और लेट अज्यूम के ना तो आपके पास उस करंट प्रोजेक्ट का कोई डेटा है और ना ही आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, तो फिर आप किस डेटा की तरफ जाएंगे, इंडस्ट्रियल डेटा की तरफ। और कब से कब तक यूज कर रहे होंगे, एयरली टू मिडिल, क्योंकि एट द मिडिल ऑफ प्रोजेक्ट आपके पास उस करंट प्रोजेक्ट का डेटा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर अब आप इंडस्ट्रियल डेटा पे ज़्यादा रिलाय नहीं करेंगे। सिमिलरली हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा डेवलपमेंट स्टेज कब यूज़ हो रहा होगा, एयरली टू मिडिल, जब आप स्टार्ट फेज में होंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और अगर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही जो है वो डेटा मौजूद है, तो फिर आप इंडस्ट्रियल डेटा की तरफ जाने के बजाय आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का पास प्रोजेक्ट का डेटा यूज़ करते हुए इस करंट प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स निकालेंगे, और जैसे ये प्रोजेक्ट आपके मिडिल फेज पर आ जाएगा तो आपको अगेन उस प्रोजेक्ट का डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप किस पे एम्फसाइज करेंगे, प्रोजेक्ट डाटा। और प्रोजेक्ट डाटा आपको कब मिल रहा होता है, मिडिल टू लेट, जब आपका करंट प्रोजेक्ट
मिडिल लेवल पे जाता है, मीन्स आपने आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एस्टिमेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को छोड़ के करंट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेटा पे फोकस कर रहे होंगे। किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा? आइटरेटिव और सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मीन्स वाटरफॉल SDLC और आइटरेटिव मीन्स एजाइल बेस्ड प्रोसेस। तो इनमें से कौन से प्रोसेस मॉडल्स के लिए कौन सा डेटा जो है वो यूज होगा? तो दोनों के लिए आपके पास ये तीनों जो है वो यूज हो सकते हैं। लेट्स सपोज इंडस्ट्रियल डेटा भी आइटरेटिव और सीक्वेंशियल के लिए यूज हो सकता है, और हिस्टोरिकल डेटा भी आइटरेटिव और सीक्वेंशियल दोनों टाइप के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है। एंड अगेन प्रोजेक्ट डेटा जो है वो भी आपके पास दोनों जो प्रोसेस मॉडल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली यूज हो सकता है। एक्यूरेसी, कौन ज़्यादा एक्यूरेस होगा? एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डेटा लो टू मीडियम एक्यूरेसी आपको दे रहा होता है, ठीक है। अगेन क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होता है आपके पास, इसमें आपके पास टेक्नोलॉजी भी इम्पेक्ट कर रही होती है, इसमें मैनेजमेंट स्टाइल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, रिसोर्सेज, सब चीज़ें जो है वो फोकस कर रही होती है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से डेटा ले रहे हो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो लो टू मीडियम होती है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी हमारे पास मीडियम टू हाई। और जो प्रोजेक्ट डेटा है उसकी हमारे पास जो है एक्यूरेसी वो क्या होगी? वेरी हाई, क्योंकि उस एक्चुअली जिस हम करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसी का डेटा है, उसका डेटा हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट मीनिंग दे रहा हो, क्योंकि हमें कुछ कहीं और से डेटा लेना नहीं पड़ रहा। जिस करंट प्रोजेक्ट के हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसी का डेटा हमारे पास मौजूद है, तो उसी के डेटा को देखते हुए जब हम एस्टिमेट करेंगे तो वो एस्टिमेट हाई होगी और उसकी जो प्रिडिक्शन है उसकी जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे होंगे एस्टिमेटेड और एक्चुअल मैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जब आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेटा पे फोकस कर रहे हो। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब आप ऑर्गेनाइजेशनल या हिस्टोरिकल डेटा यूज कर रहे होंगे पास्ट प्रोजेक्ट्स का, तो यहाँ पे आपको पास क्या होगा? द यूज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद कॉस्ट एंड स्केड्यूल ओवररन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा यूज करेंगे और जितना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास प्रीवियस डेटा की प्रोजेक्ट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपके कॉस्ट और स्केड्यूल ओवररन कम होंगे। मतलब हिस्टोरिकल डेटा जैसे जितना बढ़ेगा कॉस्ट एंड स्केड्यूल ओवररन उतने कम हो गए, यानी कि आपकी कॉस्ट और टाइम जितना आगे बढ़ रहा था या जो आपने आपके जो आपने टाइम दिया था डेडलाइन दी थी वो जो मीट नहीं हो पा रही थी, जितना ज़्यादा आप हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो जो आपका जो स्केड्यूल और कॉस्ट मीट नहीं हो पा रहा था वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपकी नॉर्मलाइज होती चली जाएंगी, क्योंकि आप हिस्टोरिकल डेटा जो पास प्रोजेक्ट का डेटा देखते हुए नए प्रोजेक्ट की जो है वो कैलकुलेशन या एस्टिमेशन दे रहे हो, तो उसमें हिस्टोरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपके एस्टिमेट एक्यूरेसी की तरफ जाए। ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट प्रोजेक्ट आउटकम्स। ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट आउटकम को अफेक्ट कर सकती है? हाउ कॉम्प्लेक्स इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। कैन ऑर्गेनाइजेशन कमिट टू स्टेबल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट को किस लेवल पे जाके स्टेबल कर रही है कि नाउ इस फेज के बाद अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्दर चेंज नहीं होंगी। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि किस स्टेज पे जाके हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर लेना है? पॉलिसी फॉर रिमूविंग अ प्रॉब्लम टीम मेंबर, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी पॉलिसी या स्ट्रेटेजी है कि अगर कोई ऐसा टीम मेंबर है जो एक एक्टिव टीम मेंबर नहीं है, जो प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा या जो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है जो है दूसरे मेंबर्स के लिए काम करने के लिए, तो क्या उसको रिमूव करने की कोई पॉलिसी है या उसकी क्या
स्ट्रेटेजी है कि वो आप प्रोजेक्ट से रिमूव करेंगे या आप उसके डेजिग्नेशन चेंज करेंगे या उसको ऑर्गेनाइजेशन से ही फायर कर देंगे, तो क्या पॉलिसी वो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर मतलब ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट के आउटकम्स को इफेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है वो इन सब फैक्टर्स पे जो है वो उन इन सब फैक्टर्स की बेसिस पे इफेक्ट हो रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर क्या है, कितनी जल्दी रिसोर्सेज कितने टाइम तक स्टे कर रही हैं या कितनी जल्दी रिसोर्सेज छोड़ के जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है और अगेन बहुत जल्दी आप लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन फायर भी कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और उनकी पॉलिसी क्या है हायरिंग और फायरिंग से रिलेटेड। अगर बहुत ज़्यादा टर्नओवर होगा, लाइक लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो मैच्योरिटी नहीं आ सकेगी क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस लोग नहीं हो सकेंगे जिसका उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है। और जितने टाइम से बहुत ज़्यादा अगर रिसोर्सेज बहुत टाइम से काम कर रही हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी है या जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो भी इफेक्ट होगा। जितने अरसे तक लोग आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे उतना बेटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी, और जितनी जल्दी लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे तो आप स्टेबल नहीं हो सकेंगे, ठीक है। फिर नई रिसोर्स आई उसको जो है एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, जब तक वो एडजस्ट हो रहा है वो फिर छोड़ के चला गया, फिर कोई और नया बंदा आया। तो अगर यही प्रोसेस होता रहेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट भी इससे इफेक्ट होगा। कैन द टीम कंसंट्रेट कम्प्लीटली ऑन करंट प्रोजेक्ट, और जो करंट प्रोजेक्ट जिस पर वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो टीम की कंसंट्रेशन उस करंट प्रोजेक्ट पे कितनी परसेंट है, मतलब वो कितना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में, या उनका इंटरेस्ट लेवल कितना है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे किसी भी प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है। जी ये लास्ट वाले जो पॉइंट्स हैं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी जो वेडनेसडे वाली क्लास है वो ऑन कैंपस होगी होपफुली इंशाल्लाह। स्केड्यूल आप लोगों ने देख लिया होगा, 12:30 to 3:30 वाली शॉर्ट वाली जो क्लास है हमारी। अभी तो फिलहाल वेडनेसडे वाला ही स्केड्यूल हुआ है, फेजेस में हो रहा है ना सब चीज़ें एक साथ नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन और फिजिकल को साथ साथ लेके चल रहे। मिड टर्म तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ऑन कैंपस ही होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, होना भी जो है वो कैंपस में ही चाहिए। तो मैं फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस ले रही हूँ और अब एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस में किसी को मीटिंग में नहीं करूँगी, नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पे अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड कर दें। सैयद मोहम्मद अली नकवी, सैयद मोहम्मद अली नकवी, फवाद महमूद सिद्दीकी, फवाद महमूद सिद्दीकी, फैजान कुरैशी, ओके फैजान, मोहम्मद हसन अहमद,
मोहम्मद हसन अहमद, शाहजेब अजहर, शाहजेब अजहर, अब्दुल हादी, ओके, ताहिर हुसैन, सैफुल्ला अब्दुल सत्तार, सैफुल्ला अब्दुल सत्तार, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, हाफिज एहसन फारूकी, जी सैफुल्ला आपके अटेंडेंस मार्क कर दिए मैंने, फसी अमजद, मोहम्मद फहद, सबीन जफर, सबीन जफर, ओके, तलहा खान, पलवशा रमजान, पलवशा रमजान, हारिस रहमान, हारिस रहमान, मुबशिर अहमद खान, ओके हारिस, मुबशिर अहमद खान, हसनैन साबिर, हसनैन साबिर, मलिहा खान, मलिहा खान, सैयद जाकिर अब्बास, नेहा आसिफ, अतिया शहबाज, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, आगा लारोश खान, उबैद खान, गुलाम मुर्तजा, एसएम गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, अब्दुल राफे खान, कैसर, खान कैसर, सैयद उजैर अली, सैयद उजैर अली, मैम मेरा नेम मिस हो गया, 9851। आपने ज्वाइन लेट किया है ना, तभी मिस हो गया। वो मैम वो एक तो जी यहाँ पे लाइट नहीं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों ने लेट आफ्टर अटेंडेंस ज्वाइन किया है ऑनलाइन, जब तक क्लास हो रही है उसमें ये सिनेरियो होगा कि जो लोग एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस प्रेजेंट नहीं है उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी, और उस सेशन के बाद तक, जैसे हमारे फर्स्ट सेशन कब होता है, ब्रेक से पहले तक का, तो ब्रेक से पहले अगर लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मतलब लाइक अगर अभी ज्वाइन कर लिया, तो अभी हमारे पास 50 मिनट हैं ब्रेक के लिए,
और थ्रू आउट ब्रेक के टाइम तक वो प्रेजेंट रहे तो फिर उनकी प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रेक स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले कोई ज्वाइन कर रहा है तो वो एब्सेंट ही कंसीडर होगा। और सेकेंडली ये कि जो लोग प्रेजेंट हैं, जिन लोगों ने प्रेजेंट मार्क जिनकी हो गई, जिन्होंने अटेंडेंस से नेम कॉल किया है, अगर वो भी ब्रेक तक अवेलेबल रहे तो ही वो प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर वो ब्रेक तक नहीं रहे तो फिर उनकी अटेंडेंस वो दोबारा से एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो हम हिस्टोरिकल डाटा पढ़ रहे थे कि जब हम हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अपनी कैलकुलेशन को एस्टिमेट्स और एफर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, तो जब आप हिस्टोरिकल डाटा यूज़ कर रहे हो तो हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते वक्त आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी को अवॉइड करें। सब्जेक्टिविटी इज़ दैट कि हम टोटली अपने हिस्टोरिकल डाटा पे ही फोकस कर रहे हैं। हिस्टोरिकल डाटा जो एस्टिमेट दे रहा है हम उसी पे पूरा 100% जो है वो रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे कि हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या थी, जो चीज़ें सिमिलर थी वो तो एज इट इज़ आप उस एस्टिमेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर डिफरेंसेस था, लेट सपोज जिस टाइप का हिस्टोरिकल डाटा हम यूज़ कर रहे हैं उस टाइप के रिसोर्सेज का स्किल सेट कुछ और था, अब कुछ और है, तो ये चीज़ें भी आपके जो है वो एस्टिमेट पे इफेक्ट कर रही होगी। तो जब आप जो है वो हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करें तो हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट फैक्टर्स को भी माइंड में रखना है कि उस टाइम जिस टाइम का डाटा आप यूज़ कर रहे हैं और अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास चेंज है। विथ हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब आप हिस्टोरिकल डाटा यूज़ कर रहे होते हैं You use a simplifying assumption that the next project will go about the same as the last project. Historical data को use करते हुए आप क्या assume कर रहे हैं, you are assuming कि अभी जो next project जिसके लिए हम estimation कर रहे हैं वो बिल्कुल same वैसे ही work करेगा जैसे हमारे पास last project है जिसका हम historical data use कर रहे हैं। तो tip क्या है यहाँ पे इस issue को resolve करने के लिए, what is the tip related to historical data? Use historical data as the basis for your productivity assumptions. आप हिस्टोरिकल डेटा को किस तरीके से यूज़ करें, एस्टिमेट लें और उसके बाद अपनी प्रोडक्टिविटी एजम्पशंस को भी माइंड में रखें कि अभी हमारी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से हो रही है, स्किल सेट क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो उन सब फैक्टर्स को भी आप हिस्टोरिकल डेटा के साथ माइंड में रखें। रिड्यूसेस एस्टिमेशन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि आप पॉलिटिक्स जो होती है रिलेटेड टू एस्टिमेट्स, पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को घुमाने के बजाय आप पूरा पॉइंट एग्जैक्ट बात करें। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जांपल लिया, सपोज अ मैनेजर टेक्स अ कोकोमो टू एस्टिमेट। ठीक है, कोकोमो एस्टिमेट को यूज करते हुए मैनेजर क्या कर रहा है, वो एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है। सपोज अ मैनेजर टेक्स अ कोकोमो टू एस्टिमेट्स इनटू अ मीटिंग विद एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग है जो आपको मैनेजर है उसकी, और वो कोकोमो टू अप्रोच यूज कर रहा है प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए। एंड द मीटिंग एजेंडा इज टू लुक फॉर द फैट इन द मैनेजर्स एस्टिमेट, और मीटिंग का एजेंडा क्या है कि जो मैनेजर ने एस्टिमेट दिए हैं वो कितने एक्यूरेट हैं उसको चेक करने के लिए, या उसमें कितना ज्यादा फैट मौजूद है। फैट मीन्स एक्चुअल एस्टिमेट से कितना ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें उसने ऐड की हैं, कि लेट सपोज अगर 2 हफ्ते का काम है तो उसने कहा है कि ये 1 महीने में होगा, या अगर लेट सपोज हम कह रहे हैं कि 1 महीने का काम है तो उसने मेंशन किया है कि ये 3 मंथ में होगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है उसको जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। इट्स ईजी टू इमेजिन द कन्वर्जेशन गोइंग लाइक दिस, ठीक है, मैनेजर क्या कह रहे हैं, आई नो वी हैड अ गोल ऑफ फिनिशिंग दिस रिलीज इन 12 वीक्स। मैनेजर एग्जीक्यूटिव से क्या बात कर रहा है कि मुझे पता है कि जो हमारा गोल है वो क्या है कि हमने 12 वीक्स के अंदर इस रिलीज को फिनिश करना है, पर मेरे एस्टिमेट क्या कह रहे हैं कि ये 16 वीक्स में कंप्लीट होगा। अगेन उसने एक्स्ट्रा फैट एड ऑन करके जो है वो एस्टिमेट दिया। लेट वॉक थ्रू द एस्टिमेट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन टूल, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो हम सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन टूल यूज़ कर रहे हैं इसको ही देखते हुए हम एज्यूम करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं अपने एस्टिमेट्स को, इस एस्टिमेशन टूल से गुजारते हैं कि ये टूल क्या रिजल्ट हमें दे रहा है। हियर द असम्पशंस आई मेड, फर्स्ट आई हैड टू कैलिब्रेट द एस्टिमेशन मॉडल।
for the programming capability factor, I assume our programmers are 35th percentile. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है अगर प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी वाले फैक्टर को देखें, जैसे हमने कोकोमो में भी ये फैक्टर्स देखे थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं जिस एस्टिमेशन मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ, हमारे जो प्रोग्रामर की कैपेबिलिटी का फैक्टर है वो क्या है, आई अज्यूम अवर प्रोग्रामर्स आर 35% है, मतलब 35% पे है हमारे प्रोग्रामर्स, उनकी कैपेबिलिटी आउट ऑफ 100 अगर हम स्केल करें तो 35% है. एग्जीक्यूटिव वर्ड, नो वन ऑन अवर स्टाफ इज बिलो एवरेज, मतलब वो एग्जीक्यूटिव मैंने कि आप किस तरीके से एस्टिमेट इस ये वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी स्टाफ मेंबर बिलो एवरेज नहीं है. यू नीड टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन योर स्टाफ, आपको अपने स्टाफ में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए. वट काइंड ऑफ मैनेजर आर यू, वेल मे बी यू हैव गॉट अ फ्यू पीपल हु आर नॉट क्वाइट एज गुड एज द रेस्ट. क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक दो की बेसिस पे पूरे ओवरऑल स्टाफ का जो है वो परसेंटेज 35 बता रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया. बट द ओवरऑल टीम कैन नॉट बी द बैड, आपकी पूरी टीम बैड नहीं हो सकती या बिलो एवरेज नहीं हो सकती. लेट अज्यूम दे आर एटलीस्ट एवरेज, राइट, कैन यू एंटर दैट इन टू द सॉफ्टवेयर. यानी कि आप एज्यूम करें कि एटलीस्ट एवरेज पे है हमारी टीम, और एवरेज टीम की बेसिस पे आप फिर जो है वो एस्टिमेट पे इस चीज़ को ऐड करें. Manager, well, okay. Now the next factor is the capability of the requirement engineers. जो हमारा next factor है वो requirement engineers का capability है कि वो कितने capable है. We have never focused on recruiting good requirements engineers or developing those skills in our engineer. So I assume that we are at 15th percentile. Manager के कह रहे हैं कि हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है उनपे जो मेरा कॉन्फिडेंस है या उनकी परफॉर्मेंस 15% है. लाइक हमने कभी फोकस ही नहीं किया कि आप अच्छे जो है वो इंजीनियर्स को हायर करें. तो एग्जीक्यूटिव के क्या रिस्पॉन्डेंस पे, होल्ड ऑन 15th percentile, दिस पीपल आर वेरी टैलेंटेड, ये लोग तो बहुत टैलेंटेड है, आप कैसे कह सकते हैं कि इनका काम 15% है. इवन इफ दे हैव नॉट हैड फॉर्मल ट्रेनिंग इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली ना हमने करवाई है, बट अगेन 15% इज़ वेरी लो, दे हैव गॉट टू बी एटलीस्ट एवरेज, उनको भी आप एटलीस्ट एवरेज पे रखें. कैन वी चेंज द फैक्टर टू एवरेज, क्या अब आपको कह रहे हैं मैनेजर को कि अब आप इस फैक्टर को भी एवरेज में ट्रांसफॉर्म करें अपने एस्टिमेट में. मैनेजर, I cannot justify making them average. We really don't even have any staff we can call requirement specialist. क्योंकि मैनेजर ने क्या रिस्पॉन्ड किया कि मैं उनको एवरेज कंसीडर नहीं कर सकता. और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो है वो ऐसा स्टाफ मौजूद ही नहीं है या जिनको हम कह सकें कि ये रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट है. एग्जीक्यूटिव, फाइन, लेट कॉम्प्रोमाइज एंड चेंज द फैक्टर टू 35%. ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज करें इस चीज़ पे और आप उनको एटलीस्ट 35% पे रखें. जिसको आपने 15 रखा है उसको आप बढ़ा के 35 कर दें, सो दैट आपके एस्टिमेट्स कुछ कम आ सके. मैनेजर, ओके, ओके, ये कुछ कन्वर्सेशन बताई है उन्होंने कि आप किस तरीके से एस्टिमेशन पॉलिटिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं. यूज हिस्टोरिकल डेटा टू हेल्प अवॉइड पॉलिटिकली चार्ज एस्टिमेशन डिस्कशंस अराइजिंग फ्रॉम असम्पशंस लाइक माय टीम इज बिलो एवरेज. क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों के साथ ऐसे ही प्रेडिक्ट करने के बजाय आप हिस्टोरिकल डेटा को भी यूज़ करें कि उस टाइम पे रिसोर्सेज क्या थी, अब क्या रिसोर्सेज है, उस टाइम पे रिसोर्सेज ने कितनी जल्दी डिलीवर किया था, तो अभी जो रिसोर्सेज है उनका स्किल सेट क्या है और क्या चांसेस है कि चीज़ें हमारे पास कितनी जल्दी जो है वो कम्प्लीट हो सकती है. द प्रीवियस एग्जाम्पल रिड्यूस एफर्ट बाय 23%. If the executive would have succeeded in taking the manager for requirements engineers to average a speed of 35, the effort would have reduced by 39%. क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि अगर executive जो है वो कामयाब हो जाता है manager को insist करने पे कि वो 35% से बढ़ाकर requirement engineer को 50% या average पे ले जाए, तो इसकी वजह से हमारे ओवरऑल एस्टिमेट जो है वो 39% तक और रिड्यूस हो जाएंगे. यानी कि जो उसने 16 वीक का एस्टिमेट दिया था वो और ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. वी हैव एवरेज 300 to 450 डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड पर स्टाफ पर. वी हैव कैलिब्रेटेड दिस प्रोजेक्ट एज्यूमिंग 400 लाइन ऑफ कोड पर स्टाफ पर.
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमने ये एज्यूम किया था कि अगर हमारे 35% या 15% पे रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, तो हमने क्या किया था कि एवरेज 300 या 450 डिलीवर लाइन ऑफ वर्क पर स्टाफ पर लगेगा। सो वी हैव कैलिब्रेटेड दिस प्रोजेक्ट अज्यूमिंग 400 एनओसी पर स्टाफ पर। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमने इसको और ज्यादा कम करना पड़ेगा, तो हमारी लाइन ऑफ कोड पर स्टाफ वन भी कम हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि वो स्किल्ड लोग हैं तो वो कम लाइन ऑफ कोड पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि एफिशिएंट कोड जनरेट कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्केड्यूल हमारे पास कम हो जाएगा। डेटा टिप हमें क्या कह रही है, हमें टिप ये बता रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा पे फोकस करें, सो दैट जो आपकी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है, लेट्स से हमारे पास जो है वो अच्छे लोग मौजूद नहीं है, तो आप हिस्टोरिकल डेटा से देखते हुए कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेटा टू कलेक्ट हमारे पास क्या होगा, साइज एफर्ट टाइम एंड डिफेक्ट, व्हाट कैन वी कैलकुलेट और कलेक्ट साइज लाइन ऑफ कोड और समथिंग एल्स यू कैन काउंट। ठीक है, प्रोजेक्ट का साइज हो सकता है हमारे पास, क्योंकि एलओसी लाइन ऑफ कोड पे हो सकता है, और कोई ऐसी फैक्टर भी हो सकता है जिसको आप काउंट कर सकें। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि कितने फीचर्स होंगे प्रोजेक्ट के, कितने फंक्शनल पॉइंट्स होंगे, तो उसकी बेसिस पे भी आप प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। एफर्ट इन स्टाफ मंथ्स, एफर्ट मीन्स कितने एफर्ट चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे। टाइम कैलेंडर मंथ्स में होगा, कितने मंथ्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। एंड डिफेक्ट्स क्लासिफाइड बाय सिवेरिटी, कितने डिफेक्ट प्रोजेक्ट में अब तक जो है वो हम एस्टिमेट कर सके, अब तक प्रोजेक्ट में कितने डिफेक्ट जो है वो इनकाउंटर हो सके। तो आप उनको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, सिवेरिटी की बेसिस पे। जिस डिफेक्ट की सिवेरिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसका डिफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसको आप सबसे ज़्यादा पहले जो है वो उस पर फोकस करेंगे। Even small data comprising of 2 to 3 projects can allow you to create meaningful ratio for estimation. यानी कि अगर आपके पास कम डेटा भी है और 2 से 3 प्रोजेक्ट्स का डेटा भी है, तो उसकी बेसिस उसको भी आप एज एन हिस्टोरिकल डेटा यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10-15 प्रोजेक्ट्स, 5 प्रोजेक्ट्स का डेटा हो तो आप उसको हिस्टोरिकल डेटा कह रहे हैं। अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा और 2 से 3 प्रोजेक्ट का भी मौजूद है, तो आप उसको भी जो है वो अपने एस्टिमेशन में ऐड कर सकते हैं। इश्यू रिलेटेड टू साइज मेजर, जब हम साइज की बात कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट की, लाइन ऑफ कोड, लेट सपोज हम एलओसी की बेस पे कोड को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ क्यूरीज हैं जिनको हमें आंसर करना पड़ता है। वो क्यूरीज क्या है, डू यू काउंट ऑल कोड और कोड यूज इन रिलीज ओनली, जो उस करंट रिलीज में कोड यूज हुआ है, क्योंकि जो हम एक्चुअल कोड लिखते हैं और जो रिलीज में फाइनल होता है उसमें बहुत चेंजेस होते हैं, तो आपने वो वाला कोड रखा है एस्टिमेशन में जो इनिशियल कोड था, या वो कोड आपने रखा है कैलकुलेट करके जो कि सिर्फ उस रिलीज में मौजूद, क्योंकि बहुत सारा कोड बाद में एडिट भी हो जाता है। हाउ डू यू काउंट कोड रीयूज फ्रॉम प्रीवियस वर्जन, अगर कोई ऐसा कोड है या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो पहले से बना हुआ है और आपने उसको रीयूज किया है, तो आपने उसको कैसे काउंट किया है, उसकी तमाम लाइन ऑफ कोड को कंसीडर किया है या उसको एक सिंगल यूनिट कंसीडर करके आपने अपने एस्टीमेट में ऐड किया है। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन ज्वाइन करेंगे। हाउ यू काउंट थर्ड पार्टी कोड, अगर कोई थर्ड पार्टी कोड, लेट सपोज आपने कोई एपीआई वगैरह जो है वो एम्बेड किया है कोड में, तो आप उसको काउंट कैसे करेंगे, अगेन एज अ सिंगल कंपोनेंट या उसमें जितने लाइन ऑफ कोड हैं उन सबको काउंट करके कैलकुलेट करेंगे। डू यू काउंट ब्लैक लाइंस एंड कमेंट्स, ठीक है, जो आपने अगर स्पेसेस देके कोड लिखा है तो उन ब्लैक लाइंस को भी आपने एलओसी में काउंट किया है, और अगर कुछ कमेंट्स ऐड किए हैं तो उन कमेंट्स को भी ऐड किया या नहीं किया। डू यू काउंट क्लास इंटरफेसेस, अगर आपने कुछ